अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं आप? संगे चाल दे तासो खैर, सब खैर जोड़ तगड़ा। अच्छा, सीन ये है कि अभी मैंने जाना है इस्लामाबाद में, एक ज़ू है जिसमें मैंने बड़ा अरसा प्लान किया जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन कभी जाने का कोई ऐसा इतफाक़ नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने प्लान किया कि मैं कैपिटल सीरीज़ में उसकी वीडियो में ज़रूर उसको कवर करूँगा। ये ना बहरिया इनक्लेव में है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टाइटल मैंने ज़ू का रखा ही नहीं, क्योंकि इसमें ज़ू जाना सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। अभी आप देखेंगे मैं फुल तैयार शार हो के, आज मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो मैं तैयार होता हूँ और जाता हूँ जी। तो रास्ते में मुझे पता चला जी कि मेरे पास वॉलेट ही नहीं है, मैं कोई आधा रास्ता जा चुका था, और फिर वहाँ से मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ी, और गाड़ी मोड़ के मेरा प्लान चेंज हो गया। फिर मैंने एक और जगह पर जाकर फ़ोटो शूट किया अपने कार के चैनल के लिए, सो इसलिए फिर वो ज़ू वाला तो सारा प्लान फेल हो गया। तो अब फिर मैं, आप देख सकते हैं, मैं एक इक्विपमेंट की शॉप में हूँ। ये आगे चेक करें आप। एकदम से आप ये दुकान में कैसे आ गए हैं, और वो भी ये फिटनेस की दुकान में, इसमें जिम का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है क्या? बेसिकली यार इसकी स्टोरी तो मैं आपको इधर से निकल के बताऊंगा। फिलहाल आप ये बस समझें कि मैं गाड़ी से टेलीपोर्ट हो गया हूँ, और टेलीपोर्ट होके फिट मशीन मिली है। ये भाई इसकी क्या प्राइस है इस वाले की? इसमें तो ये बैग शैग भी है, बड़ा कुछ है, शोल्डर बैग, सर इसके अंदर बेंच है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तो ऊपर से मेरे ख्याल पुल भी है। वाह वाह जी वाह, क्या ये बात। सर मल्टी मल्टी जिम भी है, और उसमें बेंच भी है, चेस्ट प्रेस, चेस्ट फ्लाइज, बैक पुल डाउन, फ्रंट पुल डाउन, बाइसेप एक्सटेंशन, बाइसेप कर्ल, और रोइंग, और इसमें आपका प्रीचर भी यूज होगा और लेग एक्सटेंशन भी यूज होगा जी। और मेरा ख्याल है बैक शोल्डर भी का एंगल बनेगा जी जी। तो अब फिर मैं आज कंटिन्यू किया उसी ब्लॉग को, और आज मैं माँ बाबा के लिए कुछ जिम के लिए इक्विपमेंट लेने आया हूँ, कुछ डंबल शंबल लेने आया हूँ ताकि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो कुछ डंबल शंबल परचेज़ करते हैं उनके लिए, और उनको मैं प्रोटीन के ऊपर तो लगाया हुआ मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल महीने से ऊपर हो गया वो खा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अब उनको थोड़ी जान भी तो लगवानी है ना, बॉडी वेट्स के अलावा, बॉडी वेट्स से तो वो कर ही रहे हैं। तो अभी कुछ डंबल शंबल लेते हैं उनके लिए। ये एक शॉप है PWD के अंदर ही हमारी, अब इनके पास माशाल्लाह काफ़ी सारा इक्विपमेंट और भी आया हुआ है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मशीन है, इसमें तो ऑलमोस्ट आधा जिम में सारा कुछ ही हो जाता है इसके अंदर ही। इनके ट्रेडमिल्स हैं और काफ़ी कुछ है। मैं पहले से एक दफ़ा, अगर आप लोगों को याद हो, बेंच और काफ़ी सारे इक्विपमेंट यहाँ से लेके गया था क्वारंटीन में। अच्छा यार, सो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं उनसे सारी ये डंबल्स की डिफरेंट कुछ वैरायटीज पड़ी थी उनके पास, मैं उनसे प्राइसेस पूछ रहा था। तो भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप ना प्राइसेस वीडियो के अंदर मेंशन ना करना। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी वीडियो अगर फॉर एग्जांपल महीनों के बाद भी कोई देखता है तो रेट्स बहुत स्पीड से चेंज होते हैं डॉलर्स वगैरह, डॉलर की वजह से। तो फिर वो अगर वो एक दफ़ा उनके माइंड में एक रेट आ जाएगा, फिर वो आके कहते हैं हमें उसी रेट पे दें। सो फिर रेट तो अपडेटेड होते हैं, तो इसलिए आप प्राइस मेंशन ना करना। लेकिन यह है कि वैसे आप ओवरऑल देखें तो मैंने कहा तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रेट्स तो जितनी जल्दी बदलते हैं। मुझे याद है दो, सिर्फ 2 साल पहले, 2018 में मेरा, बल्कि साल पहले मेरा ख्याल है मैंने वो लिया था ना, लास्ट समर के अंदर मैंने आके इनसे बेंच लिया था, स्लिम फिट कंपनी का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट लेग की एक्सरसाइजेज और कह लें आप चेस्ट की, फ्लाइज, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, सारी शोल्डर की भी हो जाती थी। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि उसमें 10,000 का प्राइस में फ़र्क आया। उस वक्त मैंने कोई 20s की रेंज में लिया था, अब वो कह रहे हैं कि वो 30+ का है। तो इसलिए साल में इतना फ़र्क पड़ गया, तो ये हर इक्विपमेंट में फ़र्क पड़ता है। सो अभी फ़िलहाल मैंने कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं लेना, अभी सिर्फ उनको मैं, पहले उनको मैंने बॉडी वेट पे लगाया, ऑलमोस्ट एक महीना स्क्वाटिंग कर रहे हैं और इस तरह बॉडी वेट से सिर्फ पुशअप्स वगैरह, ताकि बॉडी जो है ना वो रनिंग में आए। उसके बाद फिर मैंने, अभी डंबल्स लेने की स्टेज आई है, तो मैं दो दो एक 3 किलो वाले डंबल उनसे पूछ रहा हूँ, 2 किलो वाले पूछ रहा हूँ, और बस यही मैं सोच में पड़ा हुआ था कि यार किस वेट का डंबल लूँ ताकि वो इजीली कर लें और बहुत मुश्किल भी ना हो। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि बाबा के लिए जो है वो 3 kg वाला डंबल का एक पेयर मैंने फिर लेने का प्लान किया, और मामा को मैंने 2 kg वाला, जो है कि कैटल वेट कहते हैं इसको, जो दूसरा भी मैं दिखाऊंगा शायद इसके अंदर, वो फिर मैंने कहा वो लूँगा मैं। तो लेट्स सी, अब उनको मैं करा के देखूँगा कि उनको क्या रिस्पांस उनकी बॉडी करती है। शुरू में तो बॉडी में उनकी एक्स होंगी 1-2 दिन, क्योंकि वेट थोड़ा ज़्यादा होगा उनके हिसाब से, लेकिन फिर ऐसा ऐसा उनकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी इंशाल्लाह जी। ताइवान का ब्रांड है, ताइवान का। और ये वाला, ये भी इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, इसके अंदर ये इम्पोर्टेड क्वालिटी है, ये लोकल।
चलो फिर हम इसका करते हैं, इन बॉक्स कर लेते हैं। अब इसके इसमें वेट मिल जाएंगे, इसमें तो 3 से ऊपर वाला 3 से स्टार्ट है जी। अच्छा तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ स्टाइल, मेरा ख्याल है कि 3 फिलहाल सही है स्टार्टिंग में, ना पे ज़्यादा हो जाते हैं तो पहले दिन से। हाँ वो इसको साइज के लिए भी यूज़ करें, परफेक्ट है। इसका एक पेयर दे दें, ठीक है ठीक है। अच्छा यार अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद बाबा के लिए एक 3 का पेयर लेते हैं हम, ये 3 kg का पेयर है, ये बी फिट कंपनी है बाइक की। अगर आप लोग कोई इक्विपमेंट वगैरह में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग PWD के एरिया में हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इनकी शॉप एग्जैक्टली जो है ना, क्या बताऊँ कि क्लोजर किसके पास है, ये सर पुलिस फाउंडेशन के अंदर है, पुलिस फाउंडेशन में, ठीक है, मिनाज कॉर्पोरेशन के बिल्कुल साथ। हाँ बस ठीक है, ये मिनाज कॉर्पोरेशन हरे को पता ही है, ठीक है, उसके साथ ही है। आप फास्ट फिट के नाम से, फास्ट फिट के नाम से, या किसी से पूछेंगे ना, इस एरिया में ये एक ही है जो अच्छी बात, ठीक हो गया। अभी हम ये 3 kg वाला एक पेयर लेते हैं, और ये बाबा के लिए हो गया, ठीक है, और मामा के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि पेयर लिया जाए। वैसे वैसे 2 किलो मेरे ख्याल ठीक है। हाँ हाँ परफेक्ट है, बस ठीक है, ना कम है और ना ज़्यादा, परफेक्ट। अच्छा और अगर ये इन केस अगर ये वो इसे तो वो इसे आगे बढ़ते हैं, मैं फिर आपको आके अगर ये देना चेंज कर लें, हम रेट कर लेने कोई डोंट वरी, तो फिर रेट सही मिलेगा, इसी रेट में ले लेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। आपको पेड़ दे दूँ, मेरा ख्याल पेड़ ही करते हैं, या फिर वैसे इसमें पेड़ की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक हाथ से एक ही टाइम कर लेना है। मेरे ख्याल आप चेक कर लेना, ये भी ग्रिप करें, नहीं नहीं बस इस पे पेयर देते, ठीक है, इसमें हम एक ही ले लेते हैं, और बस ये 3 वाले का पेयर देते हैं। यहाँ इसमें 1 kg भी है, 1 kg भी है। अच्छा चले एक काम करें, बस ये इस तरह करें, ये जो 1 kg है ना, एक ये 1 kg करते हैं, एक 3 और एक 2, बस ये सही है। सिंगल सिंगल, हाँ वो बी फिट बनना है। अच्छा क्योंकि मेरा तो बी फिट सेल आउट, अच्छा बस नहीं फिर आप अगर आपने 2 के आपका 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 कॉम्बो खराब होगा, नहीं बाकी ना ये हो गया, तो ये 3 ठीक। अच्छा और हम कुछ से पहले ये इससे पहले मेरी शॉप थी, ये जावरा खुली या ये बलूचिस्तान ब्रेड फ्रूट, हाँ ये शॉप मेरे पास, हाँ उस वक्त आपने ये शॉप लेकिन आपने नहीं ली थी यहाँ पर जो तकरीबन 3 साल हो। अच्छा इस शॉप के, इस शॉप तो वहाँ पे मुझे 1.5 साल हुआ था। हाँ बस 3 साल हो गए, वो देखिए कोरोना 17 में आया है ना, है नहीं सॉरी वो तो कोविड 19 था ना, तो 19 में मतलब कि 20 के मार्च में आया। अच्छा शॉर्ट हाँ काफ़ी टाइम, उसके अंदर ये देखिए ना, उसके अंदर ये भी और न्यू आर्टिकल्स आएंगे ट्रेंड के अंदर। अच्छा इनकी क्या रेंज क्या है, ये अभी स्टार्टिंग है मेरे पास 85,000 से, ठीक है। अब ये वो मशीन्स हैं जो प्रॉपर 110 kg वेट उठाती है, ये बास की बुक के पर मेंशन होता है ये 110 तक, लेकिन वो उठाती 100 है, इनकी मोटर पावर अच्छी। हमारे पास जो पड़ी है हमने उसकी तो उसकी ऑयलिंग फॉइलिंग ये वो करना है, तो वो भी करना है जी, वो मैं आ दूंगा या कॉल आ रही है बेंच भी अच्छा है, अगर हम खाली बेंच के ऊपर आए ना तो समझे तकरीबन ये बेंच ही अटैच ही दिया, निकाले निकाले वहाँ अटैच करें, अभी इसमें वेट नहीं है, वेट ही है कि इसमें आप वेट जितना मर्जी इसमें डाल सकते हैं, ये साफ गार्निश एंड क्रीम पीस है। अच्छा इसका इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी नींद पे जोर नहीं आता, नींद पे जोर नहीं आता इससे समझे ऐसे कि अगर हाँ एग्जैक्टली अगर आप ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं 45 मिनट तक और इसको यूज करते हैं 15-20 मिनट, दोनों कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव ये चीज़ है, क्योंकि हाँ क्योंकि हम ट्रेडमिल में ना हम हैंडल स्लिप कर लेते हैं और हमारी अपर बॉडी रुक जाती है, इसके अंदर आपकी अपर बॉडी इंक्लूड रहेगी, इसके अंदर आपकी बॉडी इंक्लूड रहेगी। चले वोट हो गया, मैं आपको आपको बोलने भूल गया, उस्मान भाई चले उस्मान भाई आ जाए, चले इस फॉर्म करते हैं। अच्छा आपके वो पेमेंट इजी पैसे से कर दो, कोई चले यार ठीक है, इजी पैसे से पेमेंट करने के लिए मुझे मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, सो ये बाबा मामा को जाके मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उनको डिफरेंट एक्सरसाइज बताता हूँ, और अगर आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि जो उनको मैं एक्सरसाइज में उनको कराऊँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ उनको कराते हुए, तो वो भी मुझे आप लोग बता सकते हैं इसके कमेंट्स में, तो फिर मैं उनका वर्कआउट भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के घर में भी अगर हाउसवाइफ स्पेशली और जो एजेड लोग हैं वो घरों में उनकी इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो वो कुछ ना कुछ डंबल छोटे मोटे अपने पास रखें
और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी करते रहेंगे ना, उनकी बॉडी एक फिट रहेगी, और जो मज़ा ज़िंदगी गुजारने का एक फिट बॉडी के साथ है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो वो जब आप फिट होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार वाकई में जब बॉडी आपके हिसाब से चलती है फिर उसको आपको मज़ा आता है लाइफ को जीने का। सो ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, ओके डोकी, अल्लाह। अच्छा भाई, हमने वेट ले ली है, आपका नाम क्या है? मौजम अली। मौजम अली, हाँ। अच्छा, मौजम मौजम या मुजम्मिल? मौजन, माशाल्लाह। देखिए भाई, ये मौजन भाई उन्हीं की शॉप पे होते हैं, तो ये जब गाड़ियों में वेट रखवाते हैं तो आधा जिम इनका भी हो जाता है। एक मुझे पकड़ाया है इन्होंने, और ये 3-3 किलो वाले खुद पकड़े हैं इन्होंने, यहाँ रखते हैं। मौजन भाई इधर से दे दें मुझे, अल्लाह एक सेकेंड बस। अरे हो गया, माँ बाबा खुश हो गया, बहुत शुक्रिया भाई, उनको कुछ इससे फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह करेंगे वो फ्री। शीशे पे मैंने गाड़ी के शीशे पे लगा दिए यार, कैमरा ये एंगल अच्छा है यार। नहीं अच्छा जी, 3 किलो वाले डंबल बाबा के लिए ये सही है, मामा के लिए 2 किलो वाले। जब उनका इससे बॉडी से ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएगी, बास स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो फिर हम वेट बढ़ाते जाएंगे ऐसा ऐसा। ये आके मैं इनको सेल कर दूंगा और फिर ज़्यादा वेट वाले हम बोलेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया, लेट्स गो नाउ। मैंने जब अपने ये वेट्स लिए थे तो मैंने तो 10-10 किलो वाली प्लेटें ली थी, और वो डंबल लिया था जो कि एडजस्टेबल डंबल होता है जिसमें प्लेट्स लगती हैं। फिर मैंने वो सारा कुछ ही सेल कर लिया था, इंस्टाग्राम पर ही मैंने लगाई थी, पोस्ट लगाई थी, तो आप में से किसी को फॉलोअर में से ही किसी ने ले लिए थे सारा कुछ ही, सारा इक्विपमेंट ही ले लिया था। वैसे मुझे ये पर्सनली एंगल पसंद आया है, तो ये इसको हम लोग फिर भी इंशाल्लाह और वीडियोस में भी अब मैं यूज़ करूँगा। चलें घर चलता हूँ, और ज़रा माँ बाबा को कहता हूँ ज़रा ज़ोर लगाएँ। अच्छा, अभी आप और बाबा जो हैं इधर आए, आप लोग के लिए वेट आ गए। अच्छा, क्या बात है। ये पिंक वाला आपका है? अच्छा, ये 2 kg वाला। ठीक है, उठाएं जाए, देखें आपसे उठता है ये, ज्यादा हैवी तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, बस ठीक है। इस तरह नहीं कुछ और भी करना है इसके साथ, उठा दो, मैं आपको एंगल्स बताऊंगा। और ये बाबा का है 3 kg वाला, ये उठाएं आप, ये ज्यादा हैवी है ना? नहीं नहीं, पहले दिन ना उठा लें, देख रही हूँ कितना वेट है। आपका ये वाला है, 2 वाला है। हाँ, कि मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चाय वाय कर लेना, मैं तो कहती चाय इधर ही लाके पीते हैं। ठीक है।